अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसमें सीखेंगे रोटेशन रिफ्लेक्शन दोनों कमांड्स के बारे में कि वो किस तरह से काम करते हैं, और फिर उसको कुछ देख के डिजाइन बनाएंगे और उसको कुछ देखेंगे शेप्स भी हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे रोटेशन और रिफ्लेक्ट कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट और उसका रिफ्लेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो नॉर्मली तो मैं इसको शिफ्ट का बटन दबा के इसे रोटेट कर सकता हूँ बड़े कंट्रोल एनवायरमेंट में। लेकिन अगर मुझे इसको डायरेक्टली रोटेट करना हो तो यहां से भी कर सकता हूँ, जो कि बिल्कुल अनकंट्रोल होगा, फ्रीली रोटेट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो रोटेशन के कुछ ऑप्शन यहाँ भी दिए गए, लाजिम बात है इसका भी कोई ना कोई काम होगा। यहाँ पर देखें कि आपका कहलाता है बेस पॉइंट, और इस बेस पॉइंट के मुताबिक आप मुख्तलिफ तरीके से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेस पॉइंट यहाँ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसका एक एंगल बता सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर एंगल पे आप इसको रोटेट करा सकते हैं। अब ये एंगल क्या होता है, देखिए जो सर्किल होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है। अब उसमें इसके मुताबिक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करते हैं तो फिर आप उसको कितने डिग्री पे मूव कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्टली वैल्यू डाल के भी यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करके ये आपको दिखाएगा कि अगर आप 35 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से रोटेट होगा, और प्रीव्यू से चेकआउट आएंगे तो दोबारा सीधा हो जाएगा। इसी तरह आप 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इतना रोटेट हो जाएगा, और चेकआउट आएंगे तो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। 10 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर साथ में अगर आप ओके कर देंगे तो एग्जैक्टली उतना रोटेट हो जाएगा। सपोज 60 डिग्री पे मैं इसको रोटेट कराता हूँ प्रीव्यू करके, मुझे लगता है ये सही है और ओके करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट उतना रोटेट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये समझना है रोटेट का बेस पॉइंट ये, इसके मुताबिक रोटेशन हो रहा है। अगर आपका बेस पॉइंट आप मूव करके यहाँ रख देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं और इस बेस पॉइंट को यहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो अब आपका बेस पॉइंट यहाँ पर है। अब आप ऑल्ट का बटन दबा के यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही एंगल खुलेगा। अब जब आप इसके अंदर कोई भी डिग्री की वैल्यू डालेंगे और प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो अब ये उसके मुताबिक इसको रोटेट करेगा। तो बेस पॉइंट को जहां रखेंगे ये रोटेशन उसी मुताबिक करेगा। साथ साथ एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो इतना रोटेट हो जाएगा, यानी कि इसकी पोजीशन अभी यहाँ है तो यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं साथ साथ कॉपी पे चेक लगा दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही कॉपी करूंगा तो जो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट था उसकी कॉपी क्रिएट होगी और वो उस रोटेशन पॉइंट पे आ जाएगी। और साथ साथ अगर कंट्रोल डी दबाना शुरू करूंगा तो उतने ही एंगल पे अगले ऑब्जेक्ट भी कॉपीज करते चले जाएंगे, ये देखिए। और इस तरह से आपका एक अच्छा सा शेप क्रिएट हो सकता है। तो ये थी समझाने की बात रोटेशन की। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से काम करता है, समहाउ जैसे कि रोटेट काम कर रहा होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन चेंज है। जैसे कि अगर आपने पेन टूल को यूज करके यहां से एक हाफ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और करने के बाद इसको छोड़ दिया। अब ये एक हाफ ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके आउटलाइन को एक्टिवेट करूं और यहां से इसके फिल को नन कर दूं तो ये एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है। अब ये पूरा तो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन मैं इसको रिफ्लेक्शन की मदद से कंप्लीट कर सकता हूँ। कैसे, सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ गया रिफ्लेक्शन पर, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है ऑल्ट के साथ। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ये रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट आप कॉपी करने पर उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो ये फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। सपोज अभी मैं डायरेक्टली ओके कर देता हूँ तो जो ऑब्जेक्ट पहले इस डायरेक्शन में था वो अब इस डायरेक्शन में आ गया। बट अगर आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से रिफ्लेक्शन को लेके ऑल्ट के साथ अगर इसके दोबारा इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और साथ साथ कॉपी कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अब कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये अभी भी ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अभी भी इससे जुदा है। अगर आप इनमें कलर फिल करना चाहें तो सही तरीके से कलर फिल नहीं कर सकते। यहां से मैं कलर का पैनल दोबारा खोल लेता हूँ आपके सामने और उसको उठा के यहाँ पे पूरा रख लेता हूँ अपने पास, और यहाँ पे यहाँ से मैं इसके शो ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से कोई कलर फिल करना चाहें तो इसमें कंप्लीट एक कलर फिल नहीं कर सकते, और साथ साथ अगर आप कोई कंप्लीट कलर फिल करना चाहें तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। अभी भी ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल यू भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के साइड में रख लेता हूँ फिल वक्त, और एक और ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं। लेट सपोज मैंने पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब आपको पूरा करने में बड़ा मसला था क्योंकि दोनों साइड बैलेंस करना प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे क्या करें कि इसको मैं नन कर रहा हूँ फिलहाल, और इसको आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ से रिफ्लेक्शन को लेके यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया तो देखिए इसका एक और रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया अपोजिट, और उसके बाद आपने कॉपी किया तो ये कंप्लीट हर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। लेकिन फिर वही बात कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास दो कमांड और हैं जो मैं यहाँ पे अभी ऐड करने वाला हूं।
एक है हमारे पास एवरेज कमांड जो कि इलस्ट्रेटर की बेस्ट कमांड है, और एक है हमारी ज्वाइन कमांड। ये भी एक परफेक्ट सेट है कमांड्स का जो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग जो पॉइंट्स है इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए सिर्फ उन दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना, और इसके बाद आपने इनके राइट बटन दबा के इनका निकालना है एवरेज। एवरेज कमांड क्या करेगा, बॉथ पे रख के जैसे ओके करेंगे दोनों जो पॉइंट के नोड्स है यानी कि दोनों जो सिरे हैं उनको परफेक्ट तरीके से आपस में मिला देगा। तो जैसे ओके करेंगे वो आपस में मिला देगा, और इसी तरीके से आपने यही प्रोसीजर इस दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे करना है। जब एवरेज आपका परफेक्ट निकल आएगा, अभी भी दो अलग अलग ही ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और फिर इनको कर देना है क्या ज्वाइन। इस तरह यहां से भी ज्वाइन कर देना है और इस तरह हमें यहां से भी ज्वाइन कर देना है। इसके बाद आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये परफेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आप क्लिक करके इसमें कोई भी कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, और ये अब एक ही ऑब्जेक्ट अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ क्लिक करके आपने पहले इसका एवरेज निकालना है, और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके राइट बटन दबा के इसका एवरेज निकालना है, और क्लिक करके आपने इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या कर देना ज्वाइन, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या कर देना ज्वाइन। अब ये एक ऑब्जेक्ट है और अब आप इसमें एक ही कलर शेड और एक ही चीज इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन और एवरेज कमांड आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है इस तरह के परफेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में। अभी हमें पता चला रोटेशन रिफ्लेक्शन एवरेज ज्वाइन तीनों कमांड्स को यूज किया। ज्वाइन कमांड्स को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी और थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ करी, लेकिन दोनों लाइन सामने सामने है तो दोनों लाइन के ये वाले दोनों पॉइंट सिलेक्ट करके जैसे ही आप एवरेज का बटन दबाएंगे और बॉथ करेंगे तो वो दोनों लाइन को मिला देगा और ज्वाइन करने पे उनको एक लाइन क्रिएट कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने एक लाइन इस तरह से क्रिएट की भी और दूसरी लाइन ऐसे क्रिएट की है तो नो मैटर इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जैसे आप एवरेज करेंगे तो इनको एवरेज कर देगा, और दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज और ज्वाइन पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इलस्ट्रेटर का, ये समझ लें कि ये इसकी ब्यूटी है, और इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आप काफी सारे से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इस तरह के शेप्स किस तरह क्रिएट होंगे और ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ऐसे मैंने कुछ असाइनमेंट भी रखे आपके लिए। लेट्स सपोज ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने लास्ट टाइम सीखे थे बनाना और इस तरह की चीजें करना भी सीखी थी, तो पहले तो इन दो आसान चीजें सीख लेते हैं और फिर थोड़ी सी मुश्किल चीजों को देख लेते हैं। यहां से आपने क्लिक करके आपने एक जो है एलिप्स बनाया, और एलिप्स बना के आपने इसको एक फूल की पत्तियों में कन्वर्ट करना है, तो यहां से क्लिक करके आपने एंकर पॉइंट टूल लेके इनके दोनों नोड्स के ऊपर अप्लाई करना है तो इस तरह की पत्ती क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इसको मोटा करना है पतला करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसी तरह के ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट करके और उसको भी इसी तरह से दोनों साइड्स पे क्लिक करके क्लिक कर दे और इसको थोड़ा सा जैसे मीनार होते हैं उस तरह की शेप देना चाहे तो कंट्रोल आर दबाइए जिससे आपका रूलर एक्टिवेट होगा, कंट्रोल आर, और व्यू में जाके भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से एक रूलर का आप गाइड ले लें यहाँ पे इसके टॉप मार्जिन पर रख के, फिर यहाँ से आपने लेना है यही एंकर टूल और यहाँ क्लिक करें इसके एंकर के यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करेंगे तो ये इसका कर्व खत्म कर देगा तो ये मसला हो जाएगा, लेकिन इससे ये चीज जाहिर हो रही है। तो आप चाहे तो इस चीज को यहां से पकड़ के शिफ्ट का बटन दबा के इसे टॉप तक ले जाए। ठीक है, और उसके बाद यहां पे क्लिक करके भी शिफ्ट का बटन दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से टॉप पर ले जाए तो ये देखिए ये थोड़ा सा कर्वी शेप क्रिएट करेगा और इस तरह से ये होगा, जबकि ये बिल्कुल इस तरह का शेप है। तो इस तरह के दोनों शेप्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और फिर दोनों पॉइंट्स को सेंटर से सिलेक्ट करके भी आप यहां से ऑल्ट की मदद से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहां से शिफ्ट की मदद से इस तरह से इस पे कर्व भी पैदा कर सकते हैं बकायदा पत्ते की तरह। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा एक तरफ को खींच ले तो ये इस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो सकता है जो थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा गोल होके नीचे आ रहा होगा बनिस्बत इसके। तो अब यहां पर आपने जैसे ये क्रिएट कर लिया, इसको थोड़ा पतला करना है तो यहां से इसको इस तरह से बारीक भी किया जा सकता है, और अगर ये दोनों साइड से करना है तो शिफ्ट का बटन दबा के चारों तरफ से किया जा सकता है, ऑल्ट का बटन दबा के दोनों तरफ से किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका रोटेशन कैसे क्रिएट करें, तो बहुत आसान है। अभी मैंने जैसे आपको रोटेट कमांड को यूज करना बताया कि आप अपने रोटेशन ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से जैसे ही रोटेशन का ऑब्जेक्ट लेंगे उसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, और बेस पॉइंट सेट करने के बाद ऑल्ट का बटन दबाएं
और ऑल्ट का बटन दबाने के बाद अब आप उसके रोटेशन को सेट करें। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए एक सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है। अब आपको कितने ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ करने हैं, तो आपका हिसाब ये रखना है, आपके पास टोटल एंगल है 360 का, 360 के एंगल पर जितने ऑब्जेक्ट चाहिए उतने ऑब्जेक्ट से उसको डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 10 चाहिए, 20 चाहिए, 15 चाहिए, सपोज 16 ऑब्जेक्ट चाहिए तो डिवाइडेड बाय 16 लिख के जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो ये एक क्रिएट होगा और कंट्रोल डी दबाने पर वो मुख्तलिफ सारे डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन इस दफा क्या हुआ, बन तो ये गया फ्लावर, बेहतरीन किस्म का बना, लेकिन सेंटर पॉइंट इसका जो है बेस पॉइंट था। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं इसको यहां पर इसको लेता हूं और इसको रखने के बाद अब इसका बेस पॉइंट मुझे क्रिएट करना है, लेकिन उसका बेस पॉइंट को मुझे सही तरह क्रिएट करने का तरीका यह होगा कि मैं इसका एक सर्किल क्रिएट करूं। तो यहां पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और उसको सर्किल को शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करने के बाद मैंने इस सर्किल के और साथ इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया सर्किल को ताकि ज्यादा बढ़ाना, और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको बेस पॉइंट बना के लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सेंटर करना है। और दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, ओके कर लेते हैं फिलहाल इसको, और फिर मैं दोबारा से दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, इसको मैंने बेस पॉइंट बनाया, अलाइनमेंट में क्लिक किया, लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप बॉटम सेंटर नहीं करना क्योंकि इसके नोज पर रखना है। अच्छा जी, अब उसके बाद मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर हाफ जो है छुपाना भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूं, बल्कि इसको शिफ्ट की मदद से पकड़े जल्दी जल्दी नीचे ले आता हूं। अब ये छुप तो नहीं रहा इसके अंदर, तो उसकी वजह बात यह कि सर्किल छोटा इसलिए नहीं छुपा, सर्किल को भी मैं इतना बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए, और उसके बाद सर्किल को मैं इसके अंदर इस तरह से लाके बिठा लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जितना हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है, ये चाहिए था मुझे, और इसको मैं कलर भर देता हूं, ठीक है, और इस पर क्लिक करके अब मुझे क्या करना है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहां से रोटेशन लिया मैंने, और रोटेशन लेने के बाद मैंने इस सर्किल का सेंटर पॉइंट यहां से निकाला, ये आ गया सर्किल का सेंटर पॉइंट, और इस पे ऑल्ट की मदद से क्लिक किया, और फिर मैंने 6 ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए थे 360 को डिवाइड किया 6 के अंदर, और मैंने यहां से कॉपी ली, और उसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करके ये देखिए एक बेहतरीन किस्म का ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये देखिए इस तरह का बेहतरीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये देखिए ये एक अलग किस्म का बना था और ये एक अलग किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके बाद आउटलाइंस वगैरह कलर्स को आप खुद इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब आइए तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होगा, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसका तरीका यह है कि आप पहले एक वर्टिकल लाइन ले लें अपनी यहां पर, और इस लाइन को लेने के बाद पेन टूल को यूटिलाइज करें और इसको यहां से जहां से स्टार्ट करें वहां क्लिक करके इसको इस तरह से कर दें। इसके बाद ये ज्यादा हो गया तो फिर ये सीधा नहीं होगा, बल्कि इसको इस तरह से करें, ठीक है, और इसको यहां से सीधा स्ट्रेट शिफ्ट का बटन दबाएंगे, स्ट्रेट होगा ये, स्ट्रेट रखते हुए इसको इस पे लाके सेट करते हैं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए ख्याल कीजिएगा, क्लिक करेंगे यहां पर और ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये मूव टू, ये हाफ ही क्रिएट करना है आपने, उसके बाद आपने बाकी काम कौन से कमांड से करना है, रिफ्लेक्ट कमांड से काम करना है। अगर थोड़ा सा बड़ा वगैरह करना है तो यहां से कर सकते हैं, ये सेटिंग में आ सकता है, यहां से क्लिक करेंगे यहां पे, आप इसको भले हटा दें, आप इसको रूलर लाइन को क्लिक करके यहां पर रिफ्लेक्शन कमांड को ऑन कर लें अपनी, रिफ्लेक्शन कमांड यहां से लेंगे और फिर आप इसके इस पॉइंट पे क्लिक कर लें, ऑल्ट के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए इसका कॉपी क्रिएट हो गया, और उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेना है और क्लिक करेंगे, दोनों कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैंने समझाया था आपको क्या कि दोनों पॉइंट्स को यहां पे सिलेक्ट करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, उसके बाद क्या निकालना है इनका एवरेज, जैसे एवरेज निकालेंगे कंप्लीट हो गया, और इसको फिर क्या कर देना है जॉइन, और ऊपर वाले पॉइंट्स को भी दोनों को सिलेक्ट करना है यहां से, सिलेक्ट करके क्या निकालना है इनका एवरेज, और फिर क्या कर देना है इन दोनों को भी ज्वाइन। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके बाद आप इसको जो कलर चाहे भर कर फिल कर लें, और कलर फिल करने के बाद ये आपका कंप्लीट यहां से क्रिएट हो गया। इसके बाद इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा बड़ा कर लें जिस तरह से चाहे, इसको एडजस्ट कर लें, और अगर आपको इस तरह का शेप बनाना है तो ये आपके सामने मौजूद है कि एक अलग सर्किल ड्रॉ करेंगे आप छोटा सा, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को, यानी कि इसको सिलेक्ट करके थोड़ा अलग कलर दे देता हूं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाके लेफ्ट राइट सेंटर एंड टॉप बॉटम सेंटर नहीं करना, बल्कि इसको टॉप पे रखना है, लेकिन सर्किल टॉप पे नहीं जाना चाहिए, अंडू कर रहा हूं मैं इसको, बल्कि सर्किल के मुताबिक ये उसके टॉप पे आना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया, चलो आई गया तो ठीक है। अब इसको यहां से पकड़ के शिफ्ट का बटन दबा के रखो, यानी मूव करो शिफ्ट का बटन दबा के, इसकी नोज, यानी कि इसकी नोज जो है वो बिल्कुल इस पे रख दो, और उसके बाद आपके पास दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से लेनी है रोटेशन कमांड, और रोटेशन कमांड लेके आपने सर्किल का निकालना है सेंटर पॉइंट, और ऑल्टर का बटन दबा के यहां क्लिक करना है। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, तकरीबन 10 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 360 डिवाइडेड इंटू 10 या 8, और उसको कॉपी करें,
और उसके बाद कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करते हुए इसको क्रिएट करते हैं। ये देखिए आपका एक बेहतरीन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन आप इसमें जो भी कलर स्कीम आपको चूज करनी है, जैसे कि ये सारे कलर एक जैसे हो गए, शिफ्ट की मदद से इन तीनों को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और शिफ्ट की मदद से इन तीनों को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, और फिर जो भी कलर स्कीम आपको देनी है यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई कर दें और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया कम्प्लीटली। शिफ्ट की मदद से इन सबको सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट के साथ इनको आप छोटा करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। शेप के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जो कि आप अपनी प्रैक्टिस से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी शेप्स हैं जो आप इधर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला शेप कैसे क्रिएट होगा। बेसिकली ये ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल देखें तो कर्व ही ट्राइंगल है, यानी चारों तीनों कोने इसके कर्व है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक अगर जो है स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद आपने सिंपली इसमें ये करना है, इस पे क्लिक करके इस पे एक अदद सेंटर में एक एंकर ऐड करना है। जैसे आप ऐड एंकर पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे, एक एंकर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दो एंकर को डिलीट कर देना है, और डिलीट एंकर करके जैसे डिलीट एंकर करेंगे यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से क्लिक करके जैसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा कर्वी। जैसे ही कर्वी हो जाएगा तो इसकी आउटलाइंस को आप एक्सटेंड कर दें जिस भी तरह के आउटलाइन बनाना चाह रहे हैं, और आउटलाइंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ क्लिक करके, आप देखेंगे कि आउटलाइंस की थोड़ी मोटी हो जाएंगी और ये कुछ इस तरह का नजर आने लग जाएगा। देन उसके बाद यही तरीका इसके ऊपर अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 4 6 8 एड बनाने हैं। तो एक अदद सर्किल क्रिएट कीजिए दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके, ये एक सर्किल क्रिएट हो गया, और सर्किल के टॉप पे इसको सेट करें। तो सर्किल की आउटलाइन को तो आपने नन कर देना है फिल वक्त, या रखे तो बिल्कुल बारीक सी आउटलाइन पर रख लें, और यहाँ क्लिक करके आपने इसको अंदर से खाली कर देना। इसके बाद इसको रोटेट करना है। ये देखिए रोटेट हो गया, और रोटेट करने के बाद इसको सर्किल के ऊपर बिठा देना है। सर्किल के ऊपर बिठाने का तरीका ये है कि आप इसको क्लिक करें और इसको लाके इसके टॉप पे इसको इस तरह सेट कर दें। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इसकी 13 की रखी है, बहुत ज्यादा आउटलाइंस है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। 8 की आउटलाइन काफी रहेंगी, और इसको आउटलाइंस को थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे सेट करते हैं आउटसाइड आउटलाइंस के ऊपर। अब आपने वही सिलेक्ट करना है, रोटेशन कमांड लेनी है, और देन रोटेशन लाके सर्किल का सेंटर पॉइंट निकाल के ऑल्ट का बटन दबा के 360 डिवाइडेड इनटू 8 पे क्लिक करके आपने क्या कर देना है, कॉपी एंड देन कंट्रोल डी एंड देन कंट्रोल डी। ये देखिए क्रिएट हो गया आपका एक बेहतरीन किस्म का 2 4 6 8, ठीक है। और फिर इस पे क्लिक कर करके आपने इनके कलर्स को चेंज कर लेना है। तो ये कलर दे दिया, इसको ये कलर दे दिया, इसको ये कलर दे दिया। तो इस तरह से एक अच्छा सा शेप आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपकी बारी है असाइनमेंट्स की, क्योंकि कुछ शेप्स मैंने बना के बता दिए और तमाम एग्जांपल्स को मैंने इसमें क्लियर कर दिया है, और अब मैं आपको दे रहा हूं आपके असाइनमेंट। अब ये बना के आपने मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा कंप्लीट है, ओके। ये देखिए ये शेप्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये रहे आपके असाइनमेंट जो आपने बनाने हैं। पहला ये असाइनमेंट क्रिएट करना है, दूसरा इसके अंदर आपने ये बनानी है क्लॉक, तीसरा ये असाइनमेंट क्रिएट करना है, और चौथा आपने ये क्रिएट करना है, पांचवा ये क्रिएट करना है। ये तो मैंने कुछ बना के दिखाई दिया आपको। एक ही असाइनमेंट भी क्रिएट करना है और ये भी क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं, और ये बना के मुझे आप सेंड करें, ठीक है।